तेल में डालेंगे, फाफड़ा तलेंगे। वेलकम बैक टू द ग्लिम्सी ट्विंकल एंड आई एम ट्विंकल। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं खाने वाली हूँ जलेबी फाफड़ा। जलेबी फाफड़ा आप लोगों ने कहीं होने सुना होगा और बहुतों ने उसको खाया होगा, स्पेशली मुंबई महाराष्ट्र साइड के लोगों ने इसको ज़रूर खाया होगा। सो अगर आप वहाँ से हैं और आपने खाया हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वो कैसा लगता है और आपका फेवरेट है या नहीं है। तो गाइज़, मैंने तो उसको आज तक नहीं खाया है बट सुना बहुत है। कहाँ सुना है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, इट्स फेमस शो, वो भी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोग देखते होंगे मेरी तरह। तो गाइज़, मैंने वहाँ पर देखा कि जेठालाल जो है वो जलेबी फाफड़ा खा रहा था। जेठालाल इज़ अ फेमस कैरेक्टर ऑफ दैट शो एंड वो उसका फेवरेट फूड है, और वो जिस तरह से खा रहा था मुझे मुंह में पानी आ गया एंड आई एम क्रेविंग सो मच फॉर दैट फ्रॉम दैट टाइम। वो जिस तरह से खाया मुंह में ऐसे लेकर, यार इट्स ऑसम। तो मुझे तो अभी भी मुंह में पानी आ रहा है उसके सीन याद करके। तो आई कैंट वेट टू ट्राई दैट। आज हम वही खाएंगे और ये वीडियो उन सभी के साथ शेयर करो जो जेठालाल के फ़ैन हैं, तारक मेहता उल्टा चश्मा के फ़ैन हैं, और जिनको जलेबी फाफड़ा इन अ लाइफ कभी ट्राई करना है, जिनको जलेबी फाफड़ा खाने का मन होता है उसके बारे में जानना है। बिकॉज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में देखने वाले हैं जलेबी फाफड़ा बनता कैसे है, इसका टेस्ट कैसा होता है और क्या होता है। सो आई कैंट वेट टू ट्राई दिस, लेट्स गो। तो गाइज, हम आ गए हैं अपनी जलेबी लेने के लिए, और ये जलेबी वाली गर्ल हैं जो बहुत ही स्पीड में जलेबी बनाई जा रही है ऐसे गोल गोल करके। मेरे तो हाथ ही थक जाए ऐसे जलेबी बनाने में। इन्होंने देखो कितनी क्विकली इतनी सारी बना दी है। जैसे आप लोग, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। और अभी दूसरी साइड में टर्न कर रहे हैं इसको ताकि दूसरी साइड में भी अच्छे से फ्राई हो जाए। क्या बात है, बहुत जल्दी, बहुत स्पीड में, बहुत ही क्विकली काम हो रहा है। तो ये जलेबी फ्राई हो चुकी हैं, हाफ आधी इन्होंने निकाल ली हैं और ये थोड़ी बहुत ही बची हैं जो अभी निकाल रहे हैं। और निकालने के बाद ये डाल रहे हैं सीधा इस चाशनी के अंदर। ज़रा यहाँ से देखते हैं हम। पूरी की पूरी जलेबी ऐसे चाशनी के अंदर उसको अच्छे से डुबो दी ताकि वो उसके अंदर मिठास, उसकी स्वीटनेस आ जाए। और ये हमारी जलेबी रेडी। ज़रा देखते हैं पास से कितनी अच्छी लग रही है देखने में ही, इसका कलर, टेक्सचर। आई एम श्योर कि ये खाने में भी बहुत टेस्टी होगी, बहुत अच्छी लग रही है ये जलेबी मुझे। तो अब हम चलते हैं फाफड़ा लेने के लिए। ये फाफड़े वाले भैया हैं जो जेठालाल के फ़ैन हैं, तो इन्हीं की टी शर्ट पहन के बनाते हैं। बड़ी बड़ी डाल क्या, फिर ओ आटा तैयार हो जाएगा। उसको ऐसे वो लकड़े का वो पाटला होता है उसके ऊपर ऐसे मस्त ऐसे इसकी पट्टी ऐसे खींचेंगे, तो पट्टी को ऐसे उखेड़ के ऐसे गरम गरम तेल में डालेंगे, फाफड़ा तलेंगे। तो ये फाफड़ा भी रेडी हो गए। हमने जेठालाल से ही समझा कि फाफड़ा बनता कैसे। तो गाइस, मेरा ब्रेकफास्ट आ गया है। ये है जलेबी फाफड़ा और ये तली हुई हरी मिर्च और साथ में सांबरा। ये टेस्ट करके देखेंगे पहली बार कि कैसा होता है। तो अब इसको खाना स्टार्ट करते हैं। काफी
काफी बड़ा है। ये जो हरी मिर्च है बहुत स्पाइसी है, इसलिए मेरे को लगता है जलेबी फाफड़ा इसलिए साथ में खाया जाता है। मैं सोचती थी कैसे खाते होंगे जलेबी फाफड़ा साथ में सुबह सुबह मीठा, बट अब समझ में आ रहा है कि ये जो हरी मिर्च है इनकी बहुत ही ज्यादा स्पाइसी है, और साथ में ये जो चटनी है सांभर है जो भी है ये भी काफी स्पाइसी है, तो इसको इसके साथ मिलाकर खाते हैं जो बहुत ही ज्यादा स्पाइसी लग जाता है, और उस स्पाइस को कम करने के लिए ये जलेबी खाई जाती है। तो ओवरऑल बहुत टेस्टी है। मुझे तो जेठालाल का खाना बहुत पसंद आया, आप लोग भी इसको ट्राई करो। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसको लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। साथ ही में अगर आप चैनल में न्यू हो तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लेना। हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है yummytummy.tasty। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।